सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। आज एस्टेक चैनल की तरफ से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओवरव्यू दे रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प यू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट। वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेसिंग। इसी माध्यम से प्रोफेशनल क्वालिटी का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इफिशियंटली किसी भी डॉक्यूमेंट को हम बना सकते हैं। यहाँ पावरफुल एडिटिंग टूल है, रिवाइजिंग टूल भी है, उसके माध्यम से हम वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम में। तो कैसे स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर में? उसका फर्स्ट प्रोसेस है, मैनुअली अगर हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट बटन, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑल प्रोग्राम, स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप उसका, सर्च माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम सब मेनू एंड क्लिक इट। उसके बाद हुआ आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए चार स्टेप है। स्टेप नंबर वन, क्लिक स्टार्ट बटन। नंबर टू, सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम। नंबर थ्री, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब मेनू में सर्च करके सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। ओके, देखिए अब ओपन हो गया। ये सब जो दिख रहे हैं साइट में, ये जो साइट में दिख रहे हैं इसको बोलते हैं टेम्पलेट। अगर आपके हिसाब से अगर कोई टेम्पलेट बनाना चाहेगा, कोई ओरिजिन वाला लेटर, तो फॉर्मेटिंग सेम रहेगा, केवल इधर डाटा एडिट करेंगे। इसी एनुअल रिपोर्ट का देखिए, यह सब रिज्यूम, टाइमलेस रिज्यूम। टाइमलेस मतलब रिज्यूम का फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको थोड़ा एडिट कर दीजिए आप। आपका नाम, प्रोफेशन क्या है, ये सब फोटो लगा के काट प्रिंट कर दीजिए, काम हो जाएगा। ये फॉर्मेटिंग के लिए जो टाइम आपका स्पेंड होना था नहीं होगा टेम्पलेट के माध्यम से। तो हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को कुछ नया बनाएंगे, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। अभी हो गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो ओपन हो गया। उसके बाद ये जो इंटरफेस आया है, पहले इसको हम जानेंगे कौन सी पार्ट को क्या कहते हैं इस डॉक्यूमेंट को इंटरफेस। तो पहले हम देखेंगे, चलिए देखिए, अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। देखिए ये इंटरफेस है, वर्ड का विंडो है, इसको हम विंडो बोलते हैं। सभी प्रोग्राम, सभी फोल्डर, सभी फाइल का विंडो डेस्कटॉप में आ जाता है अगर उसको ओपन करते हैं तो। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो है। देखिए ये जो फाइल लिखा हुआ है उसको बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब, फाइल टैब। इधर भी हमारा भी है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। टैब के ऊपर ये जो बार है उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इधर देखिए एरो मार्क दिया हुआ है, क्विक एक्सेस टूल बार। फिर रिबन, रिबन आता है टैब मेनू और उसका जो ग्रुप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। उसके बाद ऊपर देखिए फ्री वन मंथ कोर्स फॉर 10 स्टूडेंट एमएस ऑफिस, इधर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हम टाइटल बार। डॉक्यूमेंट का अगर आप सेव करेंगे, जिसी नाम से सेव करेंगे
वो नाम इधर आएगा, इसीलिए उसको बोलते हैं टाइटल बार, डॉक्यूमेंट का टाइटल। ओके, फिर आ गया रूलर। रूलर देखिए 1 to 1 inch 2 inch 3 inch पेपर का साइज के हिसाब से रूलर आता है, इसको बोलते हैं रूलर। ये मार्जिन को सेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं रूलर को। ओके, फिर आ गया ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये हेल्प ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिगार्डिंग अगर कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प बटन को क्लिक कीजिए और F1 को क्लिक कीजिए तो हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा। आपके हिसाब से, आपके जरूरत के हिसाब से आप कोई भी टॉपिक देख सकते हैं। ओके, फिर आ गया नीचे, इस वार के विंडो के नीचे। ओके, देखिए पेज नंबर 3 of 42 इधर लिखा हुआ है पेज नंबर 1 of 1। अगर 1 पेज है आपका डॉक्यूमेंट पे तो 1 ही दिखाएगा, हमारा 142 है इसीलिए दिखा रहा है 1 of 42 of 3। हम 3 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं इसलिए 3 of 142 दिखा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस क्या है, पेज 142 है स्टेटस, 3 नंबर पेज में हम काम कर रहे हैं, उसका वार्ड हम कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा भाषा है, ये भी हम जान सकते हैं। कितना वार्ड है वो भी हम जान सकते हैं, लैंग्वेज, वार्ड और पेज, ये स्टेटस बार में आता है। उसके बाद व्यू बटन, ये व्यू बटन, ये 4 दिखा रहा है लेकिन हमारा 3 दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट 13, ये 10 वाला विंडो, ये 13 वाला विंडो। ओके, 3 दिखा रहा है, पहला रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड और वेब लेआउट मोड। ओके, इसको बोलते हैं व्यू। ये टैब हम इस व्यू टैब में हम पाएंगे रीड मोड, पेज लेआउट मोड, वर्क मोड, आउटलाइन, ड्राफ्ट मोड, ये पाएंगे, लेकिन हम क्विक एक्सेस में ये सब पाएंगे। उसके बाद जूम कंट्रोल और जूम बार, इसको बोलते हैं जूम कंट्रोल या जूम बार, हम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो का इंट्रोडक्शन, हम परिचय जान लिए, अभी आगे जाएंगे। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या है, इधर क्या है क्विक एक्सेस टूल बार में, देखिए दिस यू विल फाइंड जस्ट अबव द फाइल टैब एडिटर। यहाँ फाइल टैब को हम फाइल टैब के ऊपर हम क्विक एक्सेस टूल बार पाएंगे। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस मोस्ट कॉमनली मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड इधर रहता है, इधर हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। देखिए हम इधर जो है, अगर किसी को यहाँ से निकालना है और किसी को जोड़ना है, देखिए हम न्यू जोड़ेंगे, इधर टिक कर दिए आ गया न्यू। अगर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को हटाएंगे तो अनटिक कर देंगे, हट गया। उसी तरह हम कर सकते हैं टूल बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज। अभी आ गया रिपन। रिपन कंटेंट कमांड्स ऑर्गेनाइज द 3 कंपोनेंट। रिपन में 3 कंपोनेंट आता है, एक है टैब्स, जैसे कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन पेज लेआउट, पेज लेआउट। ओके, उसके बाद ग्रुप, सभी टैब और सभी मेनू के ग्रुप होते हैं। फाइल होम मेनू अगर हम देखेंगे, होम मेनू का ग्रुप क्या है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ओके, ग्रुप सभी
टॉप के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है। इंसर्ट टॉप अगर देखेंगे तो पेज टेबल इलस्ट्रेशन सब ग्रुप है, इधर सब ग्रुप है। ये जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप डिवाइडर के साथ डिवाइड हुआ है, देखिए ये वाला डिवाइडर वाला बार, डिवाइडर वाला बार ऐसे ग्रुप ही है। कहाँ? रिबन के अंदर टैब है, टैब के अंदर ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कमांड है, कमांड। इस ग्रुप में अगर हम होम ग्रुप का फ्रंट, होम टैब का फ्रंट ग्रुप देखेंगे तो इधर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सब कमांड है। ओके, ये सब आता है हमारा रिबन में। रिबन का 3 कंपोनेंट, एक है टैब्स, 2 है ग्रुप्स, 3 है कमांड्स। ओके, अभी टैब के बारे में हम देखेंगे। टैब कितना है? अगर हम टैब के गिनेंगे तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये जो बाद में आया है फॉर्मेट, इसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्चुअल टैब। अगर कोई कंटेंट जैसे कि शेप, टेबल, पिक्चर आ गया तो एक्स्ट्रा जो टैब ऑटोमेटिक आता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब। तो पहले होम टैब के बारे में देखेंगे। होम टैब के अंदर होम टैब गिव्स यू एक्सेस टू सम ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड फॉर द वर्किंग विथ वर्ड 2013 इंक्लूडिंग कॉपिंग एंड पेस्टिंग, फॉर्मेटिंग, अलाइन पैराग्राफ, चूजिंग डॉक्यूमेंट स्टाइल। ओके, होम टैब में हम देखेंगे पैराग्राफ के ग्रुप में अगर देखेंगे तो अलाइन पाएंगे, अगर क्लिपबोर्ड में देखें तो कॉपी पेस्ट पाएंगे, विभिन्न प्रकार का डॉक्यूमेंट। अगर फाइल टैब में देखें तो ओपन, फाइल टैब में देखेंगे तो ओपन, न्यू, सेव, ये सब देखेंगे। तो इंसर्ट टैब, अभी इंसर्ट टैब अलाउज टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट में अगर कोई जरूरत, पिक्चर जरूरत है, चार्ट जरूरत है, या टेबल शेप कवर पेज जरूरत है, तो हम इंसर्ट टैब को यूज करते हैं। इंसर्ट टैब के माध्यम से हम ग्रुप के हिसाब से हम इंसर्ट, अगर टेबल चाहिए तो टेबल ग्रुप के अंदर हम जाएंगे इंसर्ट टैब, टेबल अगर चाहिए तो टेबल ग्रुप के अंदर हम जाएंगे, इंसर्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, स्प्रेडशीट को इधर डालेंगे। ओके, ये हुआ आपका इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का ग्रुप है पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, आप मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल। जो अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए वो आप इंसर्ट टैब से इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद डिजाइन, डिजाइन टैब गिव्स यू एक्सेस टू वैरायटी डिजाइन टूल इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डिजाइन टैब में हम कुछ डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, पेज का बॉर्डर, पेज का कलर, ये सब डिजाइन हम कर सकते हैं डिजाइन टैब में। नेक्स्ट आया पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब अलाउ यू टू चेंज द प्रिंट फॉर्मेटिंग और मार्जिन विड्थ, पेज ओरिएंटेशन, पेज ब्रेक। पेज लेआउट टैब का पेज सेटअप ग्रुप में आप मार्जिन पाएंगे, मार्जिन को सेट कर पाएंगे, ओरिएंटेशन कर पाएंगे, साइज देख पाएंगे, पेपर साइज आपका डॉक्यूमेंट का साइज, कलम देख पाएंगे, ये सब आप देख पाएंगे। अभी हम रेफरेंस टैब के पास जाएंगे। रेफरेंस आ गया पेज लेआउट के बाद। द रेफरेंस टैब अलाउज यू ऐड एनोटेशन टू योर डॉक्यूमेंट सच एज फुटनोट, एंडनोट, सिटेशन।
कैप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट, बिब्लियोग्राफी, ये सब हम रेफरेंस टैब के माध्यम से यूज कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा वाला डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसका जो टॉपिक है कौन सी पेज में है, वो पेज बॉर्डर हम लगा सकते हैं, पेज पेज का नंबर लगा सकते हैं, इंसर्ट टैब जाके लगा सकते हैं, लेकिन हम इंडेक्स बना के भी लगा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट कितना पेज में, ये डॉक्यूमेंट, ये जो टॉपिक कौन सा पेज में, ये सब हम रेफरेंस के माध्यम से टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप के माध्यम से हम लगा सकते हैं। फुट नोट भी, रेफरेंस भी लगा सकते हैं। सिटेशन, कैप्शन तो आजकल जानते हैं, कैप्शन कोई भी सोशल मीडिया यूज करता है तो कैप्शन के बारे में नॉलेज होता है उसके पास। कैप्शन कोई फोटो डाल दे तो कैप्शन डाल दिया, और ऐसे इंडेक्स भी हम बना सकते हैं और टेबल ऑफ अथॉरिटी भी हम लगा सकते हैं। ओके, ये हुआ हमारा रेफरेंस टैब का काम। अभी मेलिंग टैब, यू कैन यूज द मेल मर्ज फीचर इन द मेलिंग टैब टू क्विक कंपोज लेटर, एड्रेस, एनवेलप एंड क्रिएट लेबल। देखिए, मेल मर्ज टैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एमएस वर्ड, बिकॉज ये जो मेल मर्ज मेलिंग टैब है, हम एक ही बार एक लेटर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेवल लगा के भेज सकते हैं, एक ही लेटर, लेकिन एड्रेस हम नहीं लिखेंगे। एड्रेस क्या करेंगे, हम लेबल करेंगे, स्टार्ट मेल मर्ज के थ्रू हम लेबल करेंगे, और एक ही लेटर को बार बार विभिन्न लोगों को हम शेयर कर सकते हैं, विभिन्न लोगों को मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम एनवलप के ऊपर जो एड्रेस प्रिंट करते हैं, एक ही बार हम प्रिंट कर पाएंगे, एक ही बार ज्यादा से ज्यादा लोगों। ओके, ये काम मेलिंग टैब का है। अभी आ गया रिव्यू टैब। रिव्यू का मतलब आप जो भी करें इससे पहले, उसको आप एक बार चेक करने को बोलते हैं रिव्यू, व्यू और रिव्यू। अगर हमने एक डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर दिया, उसको प्रिंट आउट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे। अगर कोई कौन सी रंग हो गया हो तो हम उसको ठीक करके देखेंगे, स्पेलिंग, ग्रामर, डिफाइन, दिस और अस, वर्ड काउंट कितना है, ये सब हम कमेंट भी दे सकते हैं, कमेंट भी रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, ये सब चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई हमारा डॉक्यूमेंट को चेंज करता है तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। कोई जैसे कोई हमारा डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ ना करे, इसीलिए हम प्रोटेक्ट ग्रुप को जाके रेस्ट्रिक्शन कर देंगे, एडिटिंग कर देंगे। ओके, इसको बोलते हैं रिव्यू टैब। लास्ट में आता है व्यू टैब। व्यू टैब, व्यू टैब का पहले हम देखे थे व्यू टैब, ये जो नीचे है व्यू मोड, व्यू मोड में तीन व्यू देखे थे, उसके बाद आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रूलर को हम लगा सकते हैं, ग्रिड लाइन को भी लगा सकते हैं, ये ग्रिड लाइन बोलते हैं इसको, रूलर ऊपर जो दिखा ऊपर जो है उसको भी हटा सकते हैं, अनटिक करके हटा दिए, देखिए अभी रूलर लगा दिए, ग्रिड लाइन को हटा दिए, ऐसे करके हम व्यू कर सकते हैं। हम इसके बाद एक एक टूल, एक एक टैब का, एक एक ग्रुप के अंदर जो टूल है, हम सेकेंड क्लास में होम टैब हो या फाइल टैब, कोई भी टैब स्टार्ट करेंगे, बारी बारी आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ हम इसको बताएंगे। ओके,
इसको बोलते हैं ड्यू टाइम। अभी देखिए, पहले जो बोले थे हम फॉर्मेट, जो एक्स्ट्रा टैब आता है कॉन्टेक्स्चुअल टैब, अपीयर ऑन द रिबन व्हेन वर्किंग विद सर्टेन आइटम्स सच एज टेबल एंड पिक्चर। अगर हम वर्ड में कोई पिक्चर, अभी शेप ले रहे हैं, देखिए कोई टैब नहीं है, व्यू के बाद ये सिलेक्ट करके छोड़ देंगे ना, अभी टैब आ जाएगा, देखिए फॉर्मेट टैब है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्चुअल टैब। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्चुअल टैब। ओके, कॉन्टेक्स्चुअल टैब विल अपीयर ऑन द रिबन ऑफ द सर्टेन आइटम, कोई टेबल पिक्चर। दिस टैब कंटेन स्पेशल कमांड, ये जो टैब है स्पेशल कमांड आता है, किसी के लिए आता है, जो कंटेंट लाइक टेबल, अगर हम टेबल लेंगे तो टेबल के बाद जो ये टैब आएगा फॉर्मेट टैब, टेबल को एडिटिंग, टेबल को अपीयरेंस चेंज करने के लिए, इफेक्ट देने के लिए, शेप चेंज करने के लिए, जो भी हो, सिर्फ टेबल के लिए ही ये टैब आएगा, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब। ओके, और रूलर, वर्ड हैज टू रूलर, वन हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। ओके, देखिए दोनों, ये एक, ये भी एक। हॉरिजॉन्टल रूलर अपीयर जस्ट बीनीथ द रिबन, रिबन के जस्ट नीचे हॉरिजॉन्टल रूलर, और वर्टिकल रूलर लेफ्ट साइड में आता है। ओके, रिबन यूज टू सेट मार्जिन और टॉप स्टॉप को हम सेट करते हैं। वर्टिकल रूलर लेफ्ट एड्ज ऑफ द वार्ड विंडो, ये विंडो वार्ड का है, लेफ्ट एड्ज, इस धार में आपको देखने मिलेगा रूलर। ओके, यूज टू वर्टिकल पोजिशन अलाइनमेंट, एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए, मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए हम रूलर को यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे हेल्प आइकन, हेल्प आइकन, यहाँ हेल्प आइकन, माइक्रोसॉफ्ट हेल्प आइकन, डायरेक्ट क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको F1 ऑप्शन मारिए, कीबोर्ड में F1 प्रेस करने से हेल्प आइकन ओपन होता है। ओके, आपके जरूरत के हिसाब से आप ट्यूटोरियल ले सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं हेल्प वन, F1 प्रेस करके हेल्प ऑप्शन से। बाकी रहेगा जूम कंट्रोल, अपने हिसाब से जूम कंट्रोल, ये तो जूम कंट्रोल हम इस अपने हिसाब से छोटा डॉक्यूमेंट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम जूम कंट्रोल। व्यू मोड, प्रिंट लेआउट व्यू, ये जो व्यू है प्रिंट लेआउट व्यू, मिडिल में प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट व्यू का काम क्या है? दिस डिस्प्ले पेजेस एग्जैक्टली एज दे विल अपीयर व्हेन प्रिंट, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, जैसे प्रिंट आएगा प्रिंट लेआउट व्यू में, ठीक उसी तरह से आएगा डॉक्यूमेंट। ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं हम प्रिंट लेआउट व्यू। तो वेब लेआउट व्यू क्या है? दिस शोज हाउ ए डॉक्यूमेंट अपीयर व्हेन व्यूड बाय ए ब्राउजर वेब सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर डॉक्यूमेंट को हम वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे तो जिस तरह का दिखेगा वेब लेआउट व्यू, वैसी तरह का दिखेगा। ओके, फिर रीड मोर टू हाइड द राइटिंग टूल मेनूज एंड टू लीव more room for the pages themselves, read mode automatically fit the pages layout to your device, agar read mode ko hum open karenge to upar ka jo tool hai group hai sab hat jayega, sirf document aayega, uske baad aap koi editing bhi nahi kar payenge, सिर्फ रीडिंग करने के लिए वो रीड मोड आप ऑन कर सकते हैं। ओके,
व्यू में तीन प्रकार का व्यू हम डिस्कस कर लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया, किसको हम डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं, देखिए यहाँ और एक अभी इसको हटा रहे हैं। ये जो मार्जिन के अंदर देखिए 1 इंच, इधर भी 1 इंच, ये नॉर्मल मार्जिन है, ये भी 1 इंच, नीचे भी 1 इंच। मार्जिन के अंदर जो स्पेस है उधर, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया। वहां हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, और एडिटिंग भी वहां कर सकते हैं, उसको इसीलिए हम कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। और स्टेटस बार क्या है, स्टेटस बार नीचे जो है, स्टेटस बार में क्या दिखा रहा है, दिस डिस्प्ले डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंसर्शन पॉइंट लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट राइट, दिस बार कंटेंट टोटल नंबर ऑफ पेज, वर्ड इन द डॉक्यूमेंट एंड लैंग्वेज। देखिए हम स्टेटस बार में पाएंगे पेजेस, डॉक्यूमेंट पे कितना पेज है वो इधर पाएंगे, हम किसी पेज पे काम कर रहे हैं वो भी हम स्टेटस बार में पाएंगे, ओके, और डॉक्यूमेंट पे कितना वर्ड है, इस डॉक्यूमेंट पे कितना वर्ड है हम इधर जान पाएंगे, ओके। और डॉक्यूमेंट किसी लैंग्वेज से है वो भी हम इधर जान पाएंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये देखिए भूलिएगा नहीं, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, इसको बोलते हैं व्यू बार, इसको बोलते हैं जूम बार, ओके, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सब टैब है, टैब को आप मेनू भी बोल सकते हैं, टैब के अंदर ग्रुप है, ओके, ग्रुप के अंदर ये जो एरो, छोटा वाला एरो, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, टूल के अंदर और भी कुछ हाइट वाला टूल है उसको ओपन करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का, अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम होम टॉप स्टार्ट करेंगे, होम टॉप का क्लास स्टार्ट करेंगे, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाइए ताकि आपके पास हमारा नेक्स्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे पहले आपको नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद, जय जगन्नाथ।